हे पढ़ाई लियो है बिटिया नाम करी रे, बचाई लियो है बिटिया आगे बढ़ी रे। बंद किवाड़ी में नाही राखू भैया रे, जा भी स्कूल है बानब पढ़वैया रे। जब जब दुश्मन के मारब गोली तान के, हाँ चलबा बाबूजी सीना उतान के। तिलक दहेज के चिंता छोड़ माई रे, बिटिया के ऑफर से यही है जमाई रे। अरे होई घर जोरे और दिया जरी रे, पढ़ाई दियो है बिटिया नाम करी रे, बचाई लियो है बिटिया आगे पढ़ाई लियो बढ़ी। बिटिया आगे बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, नेहा सिंह राठौर ने ये गीत को सुनाई है और ये संदेश देना चाहती हैं कि अपनी बेटियों को घर में बंद करके ना रखें, स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें और उनको अच्छी शिक्षा दें ताकि मर्दों का मुकाबला कर सकें, मुंह तोड़ जवाब दे सकें उन नेताओं को जो कि बेटियों को दबाने की कोशिश किया है। दोस्तों हमारे समाज यानी कि बिहार में बेटियों को पढ़ने लिखने की आज़ादी ठीक से अभी तक मिली नहीं है। दोस्तों यही कारण है क्योंकि नीतीश कुमार ने भी गलत गलत टिप्पणियाँ करते हैं लड़कियों पे और हमारे जो बिहार की जो आर्थिक स्थिति है सभी को पता ही है कि काफ़ी कमज़ोर घर से बिलोंग करते हैं यहाँ के किसान। दोस्तों सुनते हैं हम लोग आगे के वीडियो, बातें करेंगे थोड़ी देर बाद। दीहानी बिहार के भाभी इस रहुआ हाथ में, दीहानी बिहार के भाभी इस रहुआ हाथ में। इका कैनी नीतीश चाचा बटनी जातिवाद में, इका कैनी नीतीश चाचा बटनी जातिवाद में। दीहानी बिहार के कारोबार रहुआ हाथ में, दीहानी बिहार के कारोबार रहुआ हाथ में। इका कैनी नीतीश चाचा बटनी जातिवाद में। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं पिंटू आर्यन आपका भाई और आप देख रहे हैं जोश बिहार। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि जोश बिहार में मैं लगातार नेहा सिंह राठौर के गीत को लेकर आता हूं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि नेहा सिंह राठौर ने हमेशा गरीब मजदूर युवाओं के लिए आवाज़ उठाती है, युवाओं की हक की बात करती है। दोस्तों हालांकि मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 आ गई है और सभी लोग जितने भी नेताएं हैं सब भागदौड़ में पड़े हुए हैं कि किस तरह से हम चुनाव को जीत सके। दोस्तों पब्लिक को मूर्ख बनाने के काम नीतीश सरकार कर रही है क्योंकि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे चुका है और बोल रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बन के रहूंगा। क्या आप चाहते हैं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना? अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों इसी तरह का वीडियो मैं हमेशा लेकर आऊंगा और बताते रहूंगा कि सरकार की जो कूटनीति है किस तरह से चल रही है। मोदी सरकार भी अपने तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि इस सभा फिर से वो राजनीतिक मुद्दे पर बात करेंगे और अपना सत्ता गढ़ाने का बात कर रहे हैं। दोस्तों तो दोस्तों मैं नेहा सिंह राठौर, अगर बात करें अगर बिहार की, तो बिहार में मनीष कश्यप एक नया चेहरा उभरते हुए आ रहा है। लग रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें मुख्यमंत्री के पद से बीजेपी के तरफ से मनीष कश्यप चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों क्योंकि उनका सांसद एक मनोज तिवारी जो है, जो भोजपुरी गायक भी रह चुके हैं, वो आए थे उनके घर और बहुत सारा प्रोत्साहित किए हैं और मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को बहुत सपोर्ट करते हुए उनको बोला है कि आपको राजनीतिक में उतरना होगा, लोगों की भलाई करनी होगी, लोगों के लिए आपको लड़ाई जो लड़ रहे हैं उनको बरकरार रखने के लिए बीजेपी आपको साथ देगी, इसलिए आपको बीजेपी के द्वारा फुल समर्थन है और आपको लड़ाई लड़नी होगी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं मनीष कश्यप को सपोर्ट करना तो आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। दोस्तों आपको क्या विचार है कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बने या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव से याद आया दोस्तों, तेजस्वी यादव कुछ दिनों पहले ही मनीष कश्यप को झूठे केस में फंसा करके जेल भेजे थे। अगर आप तेजस्वी यादव को अनलाइक करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं इस वीडियो के अंत में। दोस्तों बातें करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। नीतीश चाचा बटनी जातिवाद में, फायदा का भइल जनता के बतवा जात गिनाई के। तू तो कुर्सी पर बैठल रहबा नए चाचा खाई के। फायदा का भइल जनता के बतवा जात गिनाई के। तू तो कुर्सी पर बैठल रहबा जाए चाचा खाई के। का जाने कैसन तू हो हवा सरकार हो, का जाने कैसन तू हो हवा सरकार हो। बाट दिहला नीतीश चाचा हमनी के जातिवाद में, बाट दिहला नीतीश चाचा हमनी के जातिवाद में। दीहानी बिहार के भविष रहुआ हाथ में, दीहानी बिहार के कारोबार रहुआ हाथ
में बांट दी हनी नीतीश चाचा, हमनी के जातिवाद में बांट दी हनी नीतीश चाचा, हमनी के जातिवाद में। कुर्सी के चक्कर में तुहनी कुछ हो कर जैब हो, आपस में जनता के चाहे मार काट कर वैब हो। कुर्सी के चक्कर में तुहनी कुछ हो कर जैब हो, आपस में जनता के चाहे मार काट कर वैब हो। अब जे करबा ज्यादा जाति जे ही अहंकार में, अब जे करबा ज्यादा जाति जी ही अहंकार में। बाट दिहला नीतीश चाचा, हमन के जातिवाद में। बाट दिहला नीतीश चाचा, हमन के जातिवाद में। दिहानी बिहार के भविष्य रउआ हाथ में, बाट दिहनी नीतीश चाचा, हमन के जातिवाद में। बाट दिहनी नीतीश चाचा, हमन के जातिवाद में।